शहीद नामों से रसालत गाजी अब्दुल अब्दुलकजूम खान शहीद रहमत ला गी शहर के थे और फांसी उन्नीस सौ पैंतीस में हुई और तदफ्फीन मेबा शाह कब्रस्तान बकरा पीढ़ी कराची में हुई इनका मुख्तरा तारफ़ गाजी का गाजी गाजी अब्दुल अब्दुलकजूम ख़ान रहमतल हरमत रसूल सल्हु वसलम की हिफाजत और इस पर जानों का नजराना पेश करने वाले जानसारों वफ़ादारों का अहाता करने के लिए तो किसी की जीख़म किताब की ज़रूरत है हाँ इतनी जरूर, बात ज़रूर की जा सकती है कि जब भी हरमत रसूल सल्हु वसल्लम पर हमला हुआ तो तारीख शायद है कि दरीदा दहनी के मरतकब शख्स को निशान इब्रत बनाने में मुसलमानों ने कोई धकीका फ़रगजाश नहीं किया चाहे इसके लिए इन्हें अपनी जान हथेली पर रख कर पेश करनी पड़े और यही वो प्लेटफार्म है जिस पर तमाम ते बिक्र के उल्मा और अवाम अपने अख्तलाफा भुलाकर एक झंडे तले जमा होने में खुशी महसूस करते हैं उन्नीस सौ तेईस ईस्वी के अब हिंदुआरिया समाज तंजीम के मरदूद रुकन राजपाल ने जब आलम वसल्लम की शान यकदस में गुस्ताखाना किताब शाया की तो गजीमदीन शहीद रहमत ने छः अप्रैल उन्नीस सौ उनतीस ईस्वी को बदतियानत शख्स को जहन्म रसीद करके अपनी जान जान तमन्ना सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम पर निछावर करके खुद को तारीख के सुनहरे हरूफ में रकम किया इस वाक्य से सबक सीखने के बजाय ठीक दस साल बाद उन्नीस सौ तैंतीस ईस्वी के अबाइल में हिंदु आर्या समाज हैदराबाद के लय सेक्रटरी नथूराम ने रमतमी सला वसम की शान मुबारक में हिस्ट्री ऑफ इस्लाम के नाम से गुस्ताखाना किताब शाइया कर दी जिसमें मलोन ने इमामबिया सल वाल वसलम की शान में सख्त गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल किए अल्फाज इतने नापाक और जहरीले थे कि अंग्रेज़ सरकार को भी खौफ पैदा हुआ कि कहीं इस किताब की वजह से हिंदू मुस्लिम फसादात ना शुरू हो जाएं इसलिए मुसलमानों के जज्बात को ठंडा करने के लिए नथूराम पर बराए नाम जुर्माना और एक साल कैद की सज़ा सुना दी जिसके खिलाफ नथूराम ने कमिश्नर वी एम फेरिस की अदालत में अपील दायर कर दी जिसने नथूराम की अपील मंजूर करते हुए इसी ज़मानत पर रिहा कर दिया चंद के इस कज़ाब के ख़िलाफ़ दायर मुकदमे का फ़ैसला होना अभी बाकी था इसके बावजूद मुसलमानों में ज़मानत पर रिहाई रिहायशी रंजो गम की लहर दौड़ गई तरिया स्ना हरीपूर हज़ारा के कस्बा गाजी के रिहाशी अब्दुल्ला ख़ान के बेटे और हाजी हमायूँ ख़ान के बाईस साल छोटे भाई अब्दुलकयूम खान अपनी शादी के चालीस दिन बाद मेहनत मजदूरी के लिए कराची चले गए जहाँ पहले से मुकीम अपने चचा रहमतुल्ल खान के पास ठहरे चचा ने कराची शहर से बाक़फियत की खातिर इन्हें चंद दिन अपने साथ घुमाया फिराया और फिर एक विक्टोरिया गाड़ी इनके हवाले कर दी गाजी अब्दुलकयूम ख़ान दिन भर से चलाते और रात को अपने चचा के हाँ कयाम करते इसमें में इन्हें नथू राम की पली हरकत का इल्म हुआ सारा दिन नथू राम के गुस्तखाना जसारत और फिरंगी के नाम नहाद अदालत के फैसले के बारे में सुन सुनकर गाजी अब्दुलकयूम ख़ान रहमतल्ला के दिलो दिमाग पर गहरा असर हुआ इनकी इस कफियत ने इनके चचा को परेशान कर दिया उन्होंने अपने तई भतीजे की जज्बात काबू में रखने की हतल मकदूर कोशिश की लेकिन मर्स बढ़ता गया जूं जू दवा की के मस्ताक पर इन चचा की बातों का कोई असर ना हुआ जज्बा इश्क जुनून का सील रवा था कि ठाठे मार रहा था तेरह अप्रैल बरोज़ जुमतल मुबारक व बमताक़ अट्ठाईस उन्नीस तेरह सौ बावन हिजरी को गाजी अब्दुलकजूम ख़ान ने जूना मार्किट की जामिया मस्जिद में नमाज़ जुम्मा अदा की जहाँ खुतबा में नथू राम की गुस्खाना हरकत के मतलब अहकाम शरिया सुनने के बाद वो मजीद बेचैन हो गए नमाज अदा करने के बाद वो सीधे जूना मार्केट गए जहाँ से उन्होंने कमानीदार चाकू खरीदा और गुस्से और अजतराब की हालत में इसे तेज़ करते रहे पाँचवें रोज़ नथूराम की अदालत में पेशी थी दो अंग्रेज़ जजों पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच के रूबरू मुकदमे की कार्रवाई जारी थी इस दौरान कमरे अदालत वकला और शहरीों से खचा खच भरा हुआ था गाजी अब्दुलकजूम ख़ान रहमत लकला के पिछली कतार में नहायत अतमनान के साथ बदबक नथूराम के बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गए और तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक मुकदमे की कार्यवाही के दौरान इंतहाई सूरत के साथ शातिम रसूल सल्ला वसलम की गर्दन पर तेज़ धार चाकू से भरपूर वार किया वो दर्द की शिद्दत की वजह से चीखता चिल्लाया और तड़पता फड़कता कुर्सी से नीचे गिर गया बदबخت के वासले जहन्नम होने तक गाजी कय्यूम खान रमतल निहायत सकून के साथ अपनी जगह खड़े रहे उन्होंने पुलिस से बचने की कोशिश की और ना ही फरार हुए इसना इस में अंग्रेज़ जज ओसेलियन डाइस से उतर कर गाजी अब्दुलकजूम खान रहमतल्ला के पास आया और उन्हें मुखातब करके कहा तुमने राम को क्यों कत्ल कर दिया है गाजी अब्दुलकयूम खान रहमतुल्लाह ने अदालत में आवेजा बरतानिया के बादशाह जांच पंजम की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसकी तोहिन बर्दाश्त कर सकते हो जज ने कहा नहीं गाजी अब्दुलकयम ख़ान रहमत ने कहा इस शैतान ने तो हमारे पैगम्बर सल्ला वसलम और दो जहानों के बादशाह की शान में गुस्ताखी की है मैं इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ और मैंने तो अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है वहाँ से गाजी साहब को सिटी मजस्ट्रेट के पास ले जाया गया जहाँ उन्होंने अपना बयान कलम बंद करवाया और अपने बयान में कहा कि मैंने जो कुछ भी किया रतन किया है और मुझे किसी किस्म की सज़ा का कोई डर नहीं है गाजी साहब के बुजुर्गों ने इनकी वकालत किए लिए सैयद मोहम्मद असलम शाह साहब से रबा किया शाह साहब जब बतौर वकील गाजी साहब को मिलने जेल गए तो गाजी साहब कुरान पाक की तलावत कर रहे थे बादजांत दौरान गुफ्तु गाजी साहब ने वकील को कहा कल इस वाक़ से चंद मिनट बाद पुलिस मुझे मजस्ट्रेट साहब के पास ले गई थी जहाँ मैंने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है और बयान मजिस्ट्रेट ने अपने पास लिख लिया है इसमें जो कुछ है लफ्स बलफ़ सच और हकीक़त है उसमें मैंने कहा है कि मैंने जानबूझकर कर इरादतान कत्ल किया है क्योंकि मैं इसको अपना फ़र्ज समझता था और हर मुसलमान का फ़र्ज समझता हूँ मुझे ना मौत से डर है ना फांसी से वकील साहब मैं आपसे एक अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये कि अदालत में वकील की हैसियत से जो आपका जी चाहे कहिए मगर मुझसे झूठ ना कहलवाइएगा मैं अपनी आकबत ख़राब नहीं करना चाहता वकील ने अदालत में दरख्वास दी कि इलामा इकबाल रहमत अताला शाह बुखारी रहमत लौलाना अब अलकलाम आजाद रमोत ल मौलाना ज़फ़र अली ख़ान रहमत लो बतौर गवाह बुलाया जाए ताकि वो मुसलमानों के हाणा मुँह रसालत के मामले की हसासियत को बयान करें लेकिन वह दरख्वास मुस्रद कर दी गई मुकदमा नौ जजों की ज्यूरी ने सुना अंग्रेज़ ने हिंदुओं के दबाव में मुकदमे की कार्रवाई इनहाई तेज़ी से चलाई और जैसा कि पहले से तय हो चुका था गाजी साहब को सजाए मौत सुना दी गई जैसे ही जज ने सजा सुनाई गाजी साहब खड़े हो गए और जज से कहा जज साहब मेरी एक अर्ज है कि आपने मुझे फांसी का हुक्म दिया है मैं आपका बहुत बहुत मशहूर हूँ यह तो एक जान है अगर मेरी लाख जाने भी होती तो वो भी मैं अपने रसूल सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम पर कुर्बान कर देता ये कहकर अल्लाह अकबर का नारा इस ज़ोर से लगाया कि तमाम अदालत गूंज उठी ये मंज़र देख कर जज की भी आँखों में पानी उतर आया और वह कुर्सी छोड़ कर चैम्बर में चला गया इस अदालती कार्रवाई के बाद मुसलमानों का एक वक्त इकबाल रहमतुल्लाह ला के पास भी गया कि वो वायसराय हिंद से सिफारिश करें की फ़ांसी रुकवाएं। इलामा इकबाल ने यह सुनकर थोड़ी देर खामोश रहे फिर पूछा कि क्या अब्दुल कजूम कमजोर पड़ गया है जवाब मिला कमज़ोर कहाँ वो तो अपील भी नहीं करवाना चाहता वो चाहता है कि मैं फांसी लगूं वो कहता है कि मैंने शहादत मोल ख़रीदी है ये सुनकर रहमतल्ला का चेहरा तम तमा उठा और वर्त जजब्बात में आकर कहने लगे कि जो शख्स ज़िंदा रहा तो गाजी मर गया तो शहीद क्या आप चाहते हैं कि मैं ऐसे शख्स की शहादत में दखल दूँ जो कहता है कि मैंने शहादत मोल ख़रीदी है और एक गैर मुस्लिम से जाकर सिफारिश करूँ कि इसकी शहादत में रुकावट डालें मैं ऐसी हरकत नहीं कर सकता you <laughs> इलामा में इस क़दर तेज़ी थी कि वक्त मजीद कुछ कहे बगैर वापस आ गया गाजी अब्दुलकजूम ख़ान शहीद और गजी आलमदीन शहीद के बेमिसाल जज्बा इश्क रसूल अल्ला वसलम नेामा इकबाल को मुतासर किया और उन्होंने अपने दिली जज्बात को लाहौर और कराची के अनवान से ज़रब कलीम में इस तरह बयान फरमाया नज़र अल्लाह पर रखता है मुसलमान वयूर मौत क्या शह है फ़कत आलम मैनी का सफ़र इन शहीदों की देद पहले कली सा में है जिनका खून हरम से भरकर आह ए मरद मुसलमान तुझे क्या याद नहीं हा इलाहन आखर। हाई कोर्ट के कराची बेंच ने सेशन जज के फ़ैसले को बहाल रखते हुए गाजी अब्दुलकजूम ख़ान को मौत की सज़ा सुना दी गाज़ी अब्दुलकजूम ख़ान रमत ने अपनी वालदा माज को अपने बड़े भाई हमायूं ख़ान और बहनों के हमर आखिरी मुलाकात के दौरान कहा माँ तुम शम्मय रसालत वसल्लम के परमाने को जन्म देने पर खुश होना और मेरी फांसी के बाद शहीद माँ की शहीद की माँ होने पर फख्र करना अपनी आँखों में सुरमा लगाना ये मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और इसके इस्तेमाल से तुम गमजदा भी दिखाई नहीं दोगी अहलिया से कहा कि मेरी शहादत के बाद तुम शादी कर लेना जबकि अपने चचा रहमत खान कराची में, में रिश्तेदारों और दोस्तों से कहा कि तुम गवाह रहना कि मैं नथु राम कोशान ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी पर कत्ल किया है उन्नीस मार्च बरोज़ मंगलमा मुताबिक तेरह झुलहजा उन्नीस सौ तिरपन तेरह तो तिरपन हिजरी को गाज़ी अब्दुल गाजी अब्दुल होब्दुलकयूम हो खान सेंट्रल जेल कराची की काल कोठरी में मामूल के मुताबिक तहज्जुद की नमाज़ अदा करने के बाद बारगाह इलाही में दुआगू थे कि दारोगा जेल ने उनकी कोठरी का दरवाज़ा खोला और अपने साथ चलने को कहा गाजी रहमतुल्लाह अलैह कलमा तैयबा का बाविर करते हुए चल पड़े तख्ते पर मौजूद मजिस्ट्रेट ने गाजी अब्दुल अब्दुलकयूम ख़ान रहमतुल्लाह से उनकी आखिरी ख़्वाहिश पूछी तो उन्होंने कहा मुझे तुम लोगों से कुछ नहीं कहना गाजी ने बुलंद आवाज़ में कलमा तयबा पढ़ा ना तकबीर और नायर रसालत सल्ह वसल्लम बुलंद किया अगले लम्हे में मजिस्ट्रेट का हाथ फ़िजा में बुलंद हुआ और गाजी अब्दुल अब्दुलकयूम ख़ान रहमतुल्लाह रमत शहादत के मर्तबा पर फायज़ हो गए अंग्रेज़ हकूमत ने गाजी रहमतल्ला कल इंतई राना फांसी दे दी शहादत के बाद उनके जस्त ख़ाकी को में व शाह कब्रस्तान ले जाकर दफन करने की कोशिश की गई लेकिन मुश्तल अफराद ने यह कोशिश नाकाम बना दी और गाजी अब्दुल्कयूम ख़ान रहमत शहीद का दस्तखा लेकर शहर की जानब चल पड़े हकूमत ने जुलूस रोकने के लिए नतीस शहरीों पर अंदाधुंद गोलियाँ बरसाना शुरू कर दीं जिसके नतीजे में एक सौ बाईस मर्द और ख़वान शहीद और लातादादा ज़ख्मी हो गए बिलाखिर मगर नमाज के करीब खा कर दिया बड़े भाई गान शामिल थी और एक उनकी बीवी भी इस तहरीर का खात्मा गाजी अब्दुलकजुम खान शहीद के वकील सैद मोहम्मद असलम शाहब के अल्फाज में करूँगी जो इन्होंने अदालत में बहस के दौरान जज को मुखातिब करके कहे अब मुझे अदालत के प्लेटफॉर्म से ये मौका मिला है कि मैं ये ऐलान करूं कि जब तक मुसलमानों का बच्चा बच्चा ज़िंदा है वो अपनी जान हरमत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वक्फ़ करेगा मुसलमान अपना फ़र्ज़ समझता है कि वो अपनी जान हरमत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान कर दे इन्हें फांसी का डर नहीं है ये जो आप फांसियाँ लिए फिरते हैं या ताज़ीत हिंद लिए फिरते हैं मुसलमान इस मामले में इनकी परवाह नहीं करता जिस धद से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहनी है जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है ये जान तो आनी जानी है इस जान की तो कोई बात